सत्कारियों साध संगत जी निम्रता सहित आपनू फतेह अर्ज करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप अज थोड़ी है पर जिहड़ा ये स्थान है इत्थे भी जदों गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी होई है भाई लक्षी शाह बंजारे ने भाई जैता सिंह जी ने इत्थे लिया के उन्हां दा संस्कार किया सीगा। वो बहुत थोड़े सीगे। इस तरह अज असी थोड़े हैं भाई बेअंत सिंह जिन्हां दी याद असी मना रहे हैं भाई सतवंत सिंह ते भाई केर सिंह दी वो भी बहुत थोड़े सीगे पर असी अज 39 सालां बाद उन्हां दी याद इत्थे मना रहे हैं जिन्हां ने कौम दे लई बहुत वड्डा काम किया। जिहड़ियां आपां हिक्कां चौड़ियां कीतियां धौणां उच्चियां ने ये भाई बेअंत सिंह सतवंत सिंह ते केर सिंह ने जो कुछ किया उहदी वजह दे नाल असी इत्थे अज फकर दे नाल खड़े हैं। मैं तां उन्हां नूं भी कहना चाहुंदा हां कि साडे कोले आओ क्यों करके जो काम भाई बेअंत सिंह सतवंत सिंह ते केर सिंह ने किया उहदा फायदा उन्हां दीआं शहादतां नूं मिलिया ते असी अजे तक जूझते रहे हैं। पर RSS वालियो BJP वालियो वाजपेयी साहब वालियो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वालियो ते जिहड़े मोदी साहब दे नाल साडी दिल्ली दी गुरद्वारा कमेटी चलदी है उन्हां नूं मैं दसदा कि तुहानूं भी इत्थे साडे नाल शरीक होना चाहीदा है क्यों करके जिहड़ा काम भाई बेअंत सिंह सतवंत सिंह ते केर सिंह ने किया जे वह ना करते तो तुहाडी वारी नहीं सी होनी। सो ये सारी हिंदुस्तान की सियासत नूं तब्दील करके रखता ये तीन योधिया ने। इन्हां विच्चों दोनों नूं फांसी मिली भाई सतवंत सिंह ते भाई केर सिंह नूं। जिहड़ी फांसी है ये आपां मौत नूं उडीकदे हैं ते मौत नूं उडीकना बहुत मुश्किल हुंदा। साध संगत जी जे हुण सानूं गोली मार दवे तां सानूं पता नहीं लगेगा पर जे दिन तय हो जाण कि इस दिन तुहानूं फांसी लगनी है ते वो दिन कटने बहुत मुश्किल हुंदे आ। हिटलर दा हवाई फौज दा जरनैल गोरिंग सीगा उसने यहूदियों के खिलाफ दूजियों के खिलाफ बहुत जबर किए सी। जदों हिटलर दे जालमां दी कचहरी दे विच फैसले होए ते गोरिंग नूं फांसी दी सजा होई। फांसी कदी कि तैनूं फांसी दित्ती जाऊगी रस्से दे नाल। गोरिंग कहिंदा
मैं फौज है, फौज के अफसर जां फौज के सिपाही नूं फायरिंग स्क्वाड गोली मारी जाती है, फांसी नहीं दिती जाती। पर उस वेले दी अमरीका ते बरतानिया दी हुकूमत ने कहा कि जिवें बाकियां नूं फांसी मिलेगी उस तरह गोरे नूं फांसी मिलेगी। फिर सतसंग जी गोरिंग ने फांसी नहीं ली, उहदे बोझे दे विच साइनाइड की गोली सीगी। फांसी होण तों पहलां उस नूं डर चलिया गया सी कि मैनूं फांसी मिलेगी, उन्हें उस साइनाइड की गोली खा के अपना अंत कराया। सो मेरा मतलब है कि जो कुछ भाई सतवंत सिंह ते केर सिंह ने चलिया, वह भी साध साहब जिंदे सुखे ने चलिया, वह भी सानू भुलना चाहिदा नहीं है। भुल्लर साहब नो फांसी दित्ती सीगी, देन दे ऑर्डर करते सीगे, तीन सुप्रीम कोर्ट के जज सीगे, दो हरदंतवा दे सीगे, एक मुसलमान जज सी जो चीफ जज सी। मुसलमान जज ने भुल्लर साहब नू बिल्कुल बरी करता, जस्टिस शाह ने। ते जिहड़े दो हिंदुत्वा दे जज सीगे उन्होंने फांसी की सज़ा देती। फिर असी बहुत यतन किए कि फांसी ना आवे, पर साध संग जी उन्हां दी रिहाई दे कागज़ अज किन्ने चिर एक साल हो गया कि जिहड़े आम पार्टी दे मुखी हैं केजरीवाल साहब दस्तखत नहीं कर रहे। पर अज दियां खबरां पढ़ो हुण केजरीवाल साहब नूं फड़ लेना है, उन्हां ने जिहड़े माड़े काम ते पैसे खाधे है। चलो भुल्लर साहब दे ना करी, शायद जांदा जांदा कर भी जाई, पर तेरा हाल माड़ा ही होगा केजरीवाल साहब। जिहड़ा बेगुनाह आदमी नूं तू रिहा नहीं कर रहा, 32-32 सालां तों सिख जेलां दे विच बैठे है, उन्हां दी रिहाई नहीं हो रही। फिर दरबार साहब दे उत्ते हमले असी देखे है, हंडियाए है। असी सिंघां दी खालिस्तान दे लई लड़ाई भी देखी है, उन्होंने जाना दित्तियां भी हैं, जाना लित्तियां भी हैं और शहादतां पाई हैं। ये सारा तुहाडे सामने है। सरकार ने, सरकार दी फौज ने, CRP पंजाब पुलिस ने आमने सामने मुकाबले होए है जिवें होने चाहिए है। पर जिहड़ा कैनेडा दे विच भाई हरजिंदर सिंह जिंदे नूं निज्जर नूं हरदीप सिंह निज्जर साहब नूं, फिर मलक हरपूत अमन सिंह नूं, शुभदूल सिंह नूं कैनेडा दे विच सरकार ने कतल कराया। ये मैं नहीं कहिंदा, कैनेडा दा प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो साहब ने अपनी पार्लीमेंट दे विच बयान दिते है। फिर अवतार सिंह खंडे नूं बरतानिया दे विच, फिर परमजीत सिंह पंजवड़ नूं लाहौर पाकिस्तान दे विच,
दीप सिंह सिद्धू नूं हरियाणे दे विच, मूसेवाल नूं पंजाब दे विच, एक जर्नलिस्ट सीगा हिंदू भरा धरण भगत, उस नूं भी हुकूमत ने दिल्ली दे विच मरवा दिता सी। इंडिया की हुकूमत कहती है कि साडा इहदे नाल कोई लैण देण नहीं है, असीं नहीं कुछ कराया। पर मैं पुछदा मोदी साहब जी, सिक्योरिटी एडवाइजर साहब जी, रौ दे मुखी जी, फिर अमरीका ने इश्तिहारबाजी क्यों शुरू कीती हुई है जिहड़ी सारी अमेरिकनां दे टेलीफोनां ते जा चुकी है कि जे किसे सिख नूं खतरा होवे जां उहदा पिछा करदा होवे तां जिहड़ी कानून दी वजारत है, जस्टिस डिपार्टमेंट ते FBI जिहड़ी तफतीशी एजेंसी अमरीका दी, उहनां नूं इतलाह दित्ती जावे। हुण इहदा मतलब है कि जो ट्रूडो साहब ने पार्लियामेंट दे विच कहा ते अमेरिका ने सारे नू सलाह दित्ती है कि किसे तरह जे सिख नू डर होवे तां तुसीं सानू टेलीफोन जां चिट्ठी लिख देनी है। ये क्यों कीता है? फिर अगली गल है, साडे विदेशी वजीर है जयशंकर जी, जिन्हां ने कतलां तो बाद बड़ा रौला पाया कि इंडिया दा इहदे विच हत्थ है नहीं गा, पर जयशंकर जी जिन्हां ने कीता है वो तो तुहाडे महकमे तो बाहर है। कम तो कीता है कैबिनेट सैकटेरीएट ने, रौ ने ते नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोयल ने, ये जो तुहाडी वजारत तो बाहर ने फिर तुसी इहदी जिम्मे क्यों चकदे हो? तुसी क्यों लोकां नूं कहिंदे हो कि जी इंडिया ने नहीं कराया, जदों ये कराउण वाले जालम एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरन अफेयर्स, विदेशी मामलों की वजारत तो बाहर ने, तुसी किवें जुम्मे ले सकते हो? फिर जदों शंकर जी ने बहुत प्रोपागेंडा किया कि इंडिया का हाथ दे विच है नहीं, फिर इंडिया ने जयशंकर जी को जेड सिक्योरिटी देती। जे सिख मारन तो बाद जयशंकर जी को खतरा होया है तां ही जेड सिक्योरिटी दिती गई है। मैं जयशंकर जी को लिखिया कि जदों तुहाडा इहदे विच हाथ ही नहीं है ते तुहानूं जेड सिक्योरिटी देती है कि सिख तो उत्थों बदला ना ले लैन, तुसी जेड सिक्योरिटी लैण तो इनकार कर दो कि मैनू नहीं चाहिए जेड सिक्योरिटी जदों मेरा हाथ ही नहीं हैगा इन्हां कतलां दे विच। सो ये सारियां चीज़ां तुहानूं सिद्धियां दसदियां कि मोदी सरकार ने ये करनामे कीते है और सिखां नूं जिहड़े नवें उभर रहे सीगे, खालिस्तान की मंग कर रहे सीगे, उन्हां नूं इस हुकूमत ने खत्म करता है। जदों तुसीं हुण मैनूं MP बनाया, मैं बड़ा चिर समझदा रहा कि मोदी साहब चंगा प्राइम मिनिस्टर है, इसने गरीबों के लिए
बहुत कम किए तो जिड़िया फंडा असी दिने एम पी ये मोदी साहब ने वधाई है कि असी गरीबों के लिए कुछ ना कुछ कर सकीए। पर मोदी साहब हुण जान लगे तुसी इस तरह अपने नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो रॉ तो कैबिनेट सैक्रटेरिएट तो यहो जे कम कराते अपने सिख मरवाते ये कहदे लई कीता है। असी मोदी साहब का राज देखिया सोहनी तरह देखिया 2002 दे विच जो चीफ मिनिस्टर गुजरात सी इन्होंने मुसलमानों का कतलेआम कराता सानू डी जी पी सी ने इत्थे बोलन की इजाजत दित्ती सीगी पर जदों दा मैं कहा कि मोदी साहब ते डी जी पी सी कट्ठे चल रहे हैं हुण उन्होंने अपना वाजा भी लाता चलो शब्द लग्या रहे ये डी जी पी साहब ये बदले की भावना हैगी है ऐ नहीं करीदा हुंदा जदों किसी की मीटिंग कौमी हुंदी होवे उत्थे लाउड स्पीकर लगवा देने तुहानूं शोभा नहीं दिंदा है। सो ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां इत्थे होईयां ये सीधा सानूं दसदी है कि अजे तक हिंद हुकूमत ने सिखां दा पिछा नहीं छड्डिया हैगा और तुहाडी सारिआं दी बड़ी मेहरबानी है जिहड़ी तुसीं इत्थे अज आए हो। मैं सिर्फ ये दसना चाहुंदा होर कि शुभा की है। शुभा ये है कि कैनेडा दे जिहड़े निवासी हैं उन्हां दा वीजा हिंदुस्तान आउण तों रद्द कर दिता इंडिया ने ते ज़्यादातर सिख है 10 लाख जिन्हां ने इंडिया च आउणा हुंदा सट तो सिखा नहीं लगेगी ना। फिर जेडे सूबे दे विच हुकूमत ने हरजिंदर सिंह निज्जर का कतल किया वो सूबे दे प्राइम मिनिस्टर साडे पंजाबी दोसांझ साहब रहे हैं वो कैनेडा दे सिटीजन ने कैनेडा दे शहरी हैं। मैं पूछना पिछले महीने जा इस महीने 15 दी वो कसौली किवें पहुँच गए ट्रूड के खिलाफ बोले अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोले उन्होंने स्पैशल किवें तुसी बुला लिया उन्होंने किवें तुसी वीजा देता जबकि तुसी कैनेडा दे सारे नागरिकता का तुसी वीजा बंद किया होया। ऐ नहीं समझना चाहिए कि सिखां नूं मटर गोभी है। साढ़े कोले सारे पासों इनफॉर्मेशन आती है पार्लियामेंट दे विच जो मैं बोली है कि ये सिंह मारे गए है मरवाए गए है तो एक वड्डा अफसर मेरे खास सैकटरी नूं पुछदा कि ऐ दसो कि सिमरनजीत सिंह मान दे जिहड़ी कैनेडा की खुफिया एजेंसी है उहदे नाल तलक है। उन्हें कहा नहीं जी उहदे नाल तां कोई तलक नहीं है। फिर वह कहिंदा सिमरनजीत सिंह मान पार्लीमेंट च पहलां बोलिया ते ट्रूडो साहब पार्लीमेंट दे विच बाद च बोले है कोई लिंक तो होना चाहिए नहीं लिंक लुक नहीं है इंडिया जी
ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।